मैसेज देते हैं, जो ये नोटिस भी दिया था मुझे। लेकिन आदिल आप बोल रहे हैं, लेट मी फिनिश दिस। शॉर्ट में रखिए क्योंकि वो मेरा लास्ट क्वेश्चन था ना। नो, आई विल आंसर, आई एम वेरी मच हियर, डोंट वरी। तो क्या हुआ था, ये चीजें मैं आपको दे देता हूँ। नोटिस दिया और मैं बैठा था, तो एक पुलिस ऑफिसर आते हैं एक डेढ़ घंटे बाद, बोलते हैं साला तेरी किस्मत बहुत कुत्ती किस्मत लेके तू आ गया। मैं बोला क्या हुआ? बोल रही है तेरी बीवी तो 377 के चार्जेस बना रही है तेरे पे। मैं बोला ठीक है, इसको भी आप छोड़ दोगे? नहीं, इसको हम नहीं छोड़ सकते, तुम जेल जाओगे अभी। अरे मुझे अंदर बिठा के राखी एक और कंप्लेंट कर रही है कि 377 इसने मेरे पे ये भी किया है, मुझे अरेस्ट कर लिया गया उस टाइम में। हाँ अभी पूछिए। सुनने में आया कि पूरे केस बनाने में राकेश सावंत पे जो है पुलिस ध्यान नहीं दे रही थी, तो किसी भाईजान का फोन आया था, एफआईआर बनाया जाए। कौन भाईजान? वो आपके सोर्सेस बताएं। किसका फोन, किसको? आपको पुलिस को? अब पुलिस को किसका फोन गया था तो पुलिस बता सकती है ना, या तो राखी जी बता सकती है। क्या आप कभी भी राखी सावंत पर वायलेंट थे? आपने उन्हें मारा है, हाथापाई हुई है? क्योंकि कई सारे चोट के निशान भी उन पर नजर आए थे, जबकि जिस दिन उनकी लिपस्टिक वाला निशान, लिपस्टिक वाला आप वापस दिखाओ मुझे, निशान देखेंगे। मैं मैडम आपके सवाल के जवाब में, आपके सवाल के जवाब में मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, वो जवाब होगा मेरा सवाल ही आपके लिए जवाब होगा। मैं आपको ये ठीक है, मैं ही कर लेता हूँ आपसे ठीक है। मेरा ही सवाल है, आपको लगता है क्या राखी सावंत को कोई गाली भी दे दे इतनी इजी है? राखी सावंत मारना तो छोड़ो, आपको लगता है मेरे जैसा लड़का राखी पे हाथ उठा दे और राखी छोड़ देगी मुझे? उनके भाई ने भी कहा कि आप उन पर वायलेंट थे, राखी उन्हें कॉल करके रोती थी। सबसे पहले उनके भाई तो हमारे साथ नहीं रहते थे और उनके साथ कोई ताल्लुकात भी नहीं थे। आके मीडिया ट्रेल करने से पहले थोड़ा रिसर्च तो करके दो। अभी चलो मैं बताता हूँ, राखी ने एक जो लिपस्टिक में मार्क बना के बोला कि मुझे आदिल पीटता था, जो हाफ फोटो हाफ ये थी वो मैंने देखा उसको, और बोलती थी आदिल ने मुझे पीटा है। नंबर वन, मैं एक इस्लामी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, मैं एक प्रॉपर साउथ इंडियन हूँ। जो मेरे मॉरल्स हैं, मुझे कहीं भी ये नहीं कहते कि लड़की पे हाथ उठाना है। जहाँ मेरे घर में ये चीज़ें होती है, ये कभी भी नहीं हुई है। रही बात राखी, हमेशा जब मेरे रितेश का ट्रायंगल बन गया था, हर छोटी छोटी बात पे राखी मुझे पीटती थी, मेरे पे हाथ उठाती थी, और मेरे पास एविडेंस है, और इसका मेरे पास ये भी है, इसका मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट भी है, जहाँ मैंने जाके सरकारी हॉस्पिटल में करवाया था, जिसमें नाखून के निशान है, स्लैप किया था, इधर मुझे खून आ रहा था, मैंने मेडिकल करवाया है। सॉरी, ये हालत मेरी राखी ने की थी। जस्ट फॉर अ ग्लैंस, ये सब मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, एक सब मैं ग्रुप बना रहा हूँ। देखो मेरा मानना है हस्बैंड और औरत के बीच में जो भी चीज़ें हो रही है, मुझे मीडिया ट्रेल नहीं चाहता था, मुझे सॉर्ट आउट करना था उसके साथ ही बैठ कर। ये चीज़ें मैं एक बार टीवी बोल रहा हूँ, मैं मीडिया के सामने आके मैंने बोला था कि प्राइवेट चीज़ें, राखी से मैं विनती करना चाहता हूँ कि प्लीज़ प्राइवेट रखें, इसको उछालो मत। और मेरा एक ही सलूशन था, राखी आप मुझे मार रही हो, पीट रही हो, मुझे कोई मीडिया ट्रेल नहीं चाहिए, मैं कोई पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहता, बीवी को मैं बीवी मानना चाहता हूँ, प्लीज़ हम ये रिलेशनशिप को म्यूचुअली बैठ के चार कमरे के अंदर ख़त्म कर लेते हैं। आप मीडिया में जो भी दे दो स्टेटमेंट कि ये हुआ हुआ, हम अलग हो जाते हैं। जो भी हमारे फाइनेंशियल्स हैं, हम हिसाब किताब कर लेते हैं और हम एक दूसरे के साथ रिश्ते को ख़त्म कर लेते हैं।